वेलकम टू अली साइंस। पिछले वीडियो में हमने स्टडी की थी जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मूल होती है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है, डाइकोट और मोनोकोट रूट के एनाटॉमी पढ़ी थी। आज हम स्टडी करने वाले हैं तने के बारे में। तो द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना देख रहे हैं, हम एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम देखते हैं। यानी एक पौधा है हमारे पास द्विबीजपत्री, अगर हमने उसके तने को काटा है इस तरह, ये तना है उसका और हमने उसका TS काटा है, अनुप्रस्थ काट काटा है, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, तो वो हमें ऐसा दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है। इसमें सबसे बाहर की ओर एक लेयर होती है, सबसे बाहर की ओर लेयर है, ठीक है। ये कौन सी लेयर है, इसका नाम होता है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कैसी सेल होती है, ये आयताकार कोशिकाओं से मिलकर बना है, आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर होती है, रेक्टेंगुलर सेल है, आयताकार कोशिकाएं हैं उनसे बना है। एक विशेषता और होती है कि इनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल जो होता है, ठीक है, उसकी लेयर प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था जड़ के अंदर क्यूटिकल की लेयर बाह्य त्वचा पर नहीं पाई जाती, ठीक है। इनके अलावा इसके ऊपर त्वचा रोम होते हैं, ट्राइकोम जिसको कहा जाता है, त्वचा रोम, और ये होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन जड़ों में हमने पढ़ा था कि जड़ में जो मूल रोम होते हैं, ये रोम पाए जाते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन जो त्वचा रोम है, ठीक है, जो तने पर पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनके अलावा इनमें पाए जाते हैं रंध्र, ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, मूल के अंदर यानी जड़ के अंदर और तने में क्या अंतर था, बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल की लेयर जड़ में नहीं होती, तने में पाई जाती है। तो त्वचा रोम जो रोम होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें एक कोशिकीय थे, और इनमें रंध्र पाए जाते हैं, उसमें रंध्र नहीं पाए जा रहे थे। तो ये एक मेन डिफरेंस था। और उसके बाद में दूसरी लेयर जो स्टार्ट होती है इसकी, देखो यहाँ से मैंने जो ब्लैक में दिखाया है इसको जूम करके देखते हैं, तो सेकेंड जो लेयर है उसका नाम है हाइपोडर्मिस। डर्मिस का मतलब त्वचा, हाइपो का मतलब नीचे, तो इसकी जो त्वचा है उसके नीचे पाई जा रही है, तो इसका नाम हो गया हाइपोडर्मिस। इसकी कम से कम तीन लेयर होती है, यानी तीन से चार लेयर इसकी प्रेजेंट होती है, तीन से चार स्तर होते हैं इसके। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हाइपोडर्मिस है ये बनी होती है स्थूल कोणोतक कोशिकाओं उत्तक की, कोशिकाएँ नहीं, स्थूल कोणोतक उत्तक जो होते हैं, पोलेन काइमा। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि मर्दोत्तक पेरेनकाइमा, स्थूल कोणों तक कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तो ये कोलेनकाइमा से बने होते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये नोट करना है आपको, स्थूल कोणों तक यानी कोलेनकाइमा से क्या बना होता है, हाइपोडर्मिस। किसका हाइपोडर्मिस, द्विबीजपत्री तने का डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस है, ये कोलेनकाइमेटस सेल का बना है। इसकी तीन से चार लेयर है, पास पास सटे हुए होते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं प्रेजेंट होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ये काम क्या करता है, इसको लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रोवाइड करेगा। इनके अलावा इनमें थोड़े किसी के अंदर हरित लवक भी प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण में काम कर सकता है हाइपोडर्मिस। कंप्लीट है, ओके। उसके नीचे आता है वलकुट भाग, कोर्टेक्स भाग, कोर्टेक्स की तीन चार पाँच परतें हो सकती है। कोशिकाएं कैसी होती है, इनकी सेल्स होती है गोलाकार राउंड शेप हो सकती है, या ओव्यूल शेप्ड हो सकती है, अंडाकार हो सकती है। अंतरकोशिकीय अवकाश प्रेजेंट है, देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अंतरकोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस है ये उपस्थित है। इनकी चार पांच लेयर है, ठीक है। इनमें एक और विशेषता है कि ये क्या करते हैं, वलकुट होता है, ये भोजन का संचय करता है, भोजन का संचय करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। कंप्लीट है, याद रहेगा ये, ओके। इनके बाद में जो वलकुट की सबसे इंटरनल लेयर होती है, सबसे आंतरिक परत होती है, उसका नाम होता है एंडोडर्मिस। देखिए, पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा है हमारे पास वलकुट। देखो यहाँ पर मैंने जो ग्रीन से दिखाया, सबसे बाहर की तरफ तो है एपिडर्मिस, उसके बाद में हाइपोडर्मिस, फिर है वलकुट, कोर्टेक्स, ये जो ग्रीन से दिखाया है ये है वलकुट है, कोर्टेक्स है, उसके बाद में इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर ब्लैक से दिखाया है, इंडिकेट किया है, ये क्या है, ये है हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कौन सी सेल से बनी है, किस टाइप की, इसकी लेयर कितनी है, लेयर तो एक है, सिंगल लेयर है इसकी, ठीक है, एक ही स्तर है। इनके अलावा एक कोशिकाएं जो है किस टाइप की है, इनके ढोलक के जैसी, मैंने आपको बताया था,
ढोलक के समान ढोलका कार, जिसको हम बोल देते हैं बैरल शेप्ड सेल है इनकी। ओके, उसके बाद में देखें एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, यह हाइपोडर्मिस के अंदर स्टार्च पाया जाता है, बहुत ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हिंदी में मंड भी कहा जाता है। तो स्टार्च पाया जाता है, इस वजह से हाइपोडर्मिस को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, हाइपोडर्मिस है उसको कहा जाता है स्टार्च आच्छद, आच्छद यानी ढकने वाला, स्टार्च आच्छद, या हम बोल देते हैं स्टार्च सीथ, सीथ, स्टार्च सीथ, कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में क्या आता है, इसमें परिरंभ आता है। देखो नेक्स्ट लेयर है परिरंभ, पांचवी जो लेयर हो जाएगी वो कौन सी है, परिरंभ है। तो देखें इसमें जो मैंने परिरंभ दिखाया है वो ये है, जो ब्लू कलर से मैंने इंडिकेट किया है, ये पांचवा क्या है, परिरंभ है। देखो परिरंभ जो होता है ये इनमें विषमांगी प्रकृति का होता है, विषमांगी यानी हम बोल देते हैं हेटेरोजाइगस, हेटेरो है ये, हेटेरोजाइगस पोजिशन का है, ठीक है। अब जो विषमांगी क्यों है, इसका मतलब ये है कि किस, कहीं पर तो ये बना होता है किनका, दर्डोतक का, कहीं पर तो बना होता है, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ ये, कहीं पर तो ये बना होता है दर्डोतक का, जिसको हमने कहा था स्क्लेरेन काइमी सेल्स, स्क्लेरेन काइम, स्क्लेरेन काइमा, और कहीं पर ये बना होता है मर्दोतक का, ठीक है, पेरेन काइमा, पेरेन काइमेटस सेल का। ओके, तो देखें मर्दोतक यानी जीवित सेल्स है, डेड सेल नहीं है, लिविंग सेल्स है, और मर्दोतक, दर्डोतक का मतलब क्या हो जाएगा, डेड सेल है। तो देखें कहाँ पर क्या है, देखें यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है फ्लोएम, परिरंभ के नीचे क्या दिखाया है, फ्लोएम दिखाया है, सिक्स नंबर पर फ्लोएम है। तो यहाँ पर इसमें जितने भी ये दिखाए हुए हैं ये क्या है, छः नंबर पर फ्लोएम है। तो फ्लोएम के जो सामने परिरंभ रहेगा, फ्लोएम के जस्ट ऊपर की साइड में, वो तो कैसा होगा, वो तो होता है दर्डोतक, फ्लोएम के जस्ट सामने होगा वो होगा दर्डोतक टाइप का। लेकिन देखिए यहाँ पर ये फ्लोएम है, यहाँ पर फ्लोएम है, यहाँ पर फ्लोएम है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये दर्डोतक टाइप का है, लेकिन बाकी जो जगह पर, यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से दिखाया है वहाँ पर ये कैसा होता है, मर्दोतक होता है, ये पेरेन काइमेटस होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि जो शहवन बंडल, आप जो जाइलम और फ्लोएम है उनको हम क्या बोल देते हैं, शहवन बंडल, शहवन, ठीक है, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल के जस्ट सामने वाला जो परिरंभ है, पेरिश साइकिल है, वो तो कैसा है, स्क्लेरेन काइमेटस है, दर्डोतक है। लेकिन उनके बाद के जो है वो इनके बीच बीच में पाया जा रहा है वो कैसा है, वो मर्दोतक है, पेरेन काइमेटस है, यानी एकांतर क्रम में है। यहाँ पर देखो दर्डोतक, फिर मर्दोतक, फिर दर्डोतक, फिर मर्दोतक, फिर दर्डोतक, फिर मर्दोतक, यानी यहाँ पर हमारे पास है स्क्लेरेन काइमेटस, उसके बाद पेरेन काइमेटस, फिर स्क्लेरेन काइमेटस, फिर पेरेन काइमेटस, फिर स्क्लेरेन काइमा, फिर पेरेन काइमा, ऐसे चलता है ये। तो दो टाइप का मिलता है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, विषमांगी प्रकृति का होता है, हेटरोजाइगस होता है। फिर आता है जाइलम और फ्लोएम। देखो यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू कलर से, सॉरी ग्रीन कलर से दिखाया है, ये फ्लोएम है, उसके बाद में आता है जाइलम। तो फ्लोएम और जाइलम को मिलाकर हम क्या कहते हैं, शहवन बंडल, शहवन पूल भी कहते हैं, ध्यान रखना है, वेस्क्यूलर वेस्कुलर बंडल इसको कहा जाता है, कंप्लीट है, छवन बंडल, वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम को। तो फ्लोएम बाहर होता है और जाइलम अंदर की ओर होता है, कंप्लीट है। और इनमें देखो मेटा जाइलम है, ये परिधि की ओर है, ठीक है, यहाँ ये परिधि भाग हो गया। तो परिधि की ओर क्या है, मेटा जाइलम किधर है, परिधि की ओर है, ठीक है, आउटर साइड के अंदर है, बाहर की ओर है। और प्रोटो जो जाइलम होता है ये कहाँ है, इसमें केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है, ठीक है। तो ऐसा जाइलम जिनमें प्रोटोजाइलम है ये केंद्र की ओर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको कह देते हैं अंत आदि दारुक, अंत आदि दारुक, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है मध्य आदि दारुक, ठीक है, वो आपको याद रखना है। और इसको हम बोल देते हैं एंडार्क, एंडार्क, ठीक है, एंडो यानी अंदर। तो प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, प्रोटोजाइलम जब बाहर की ओर होता है तो उसको बोल देते हैं बही आदि दारुक, कंप्लीट है। अब देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में इनमें ये पाया जाता है, ग्रीन जो मैंने रेड कलर से दिखाया है ये क्या है, ये है एधा,
कैम्बियम इसको हम कहते हैं, एधा या कैम्बियम कहते हैं। अब ये एधा या कैम्बियम क्या होता है, ये एक प्रकार का विभ्योतक है, विभ्योतक है, मेरिस्टेम है। और कौन सा मेरिस्टेम, जो हमने पढ़ा था पार्श्व विभ्योतक, लेटरल मेरिस्टेम। अगर ये नहीं पता तो वो मैं पहले बता चुका हूँ उसके बारे में, वो वीडियो आप देखें। तो उसमें मैंने आपको बताया था लेटरल मेरिस्टेम है, उसमें बताया था एधा, सहवन एधा, सहवन एधा का मतलब होता है सहवन पुल के बीच में पाया जा रहा है। तो एधा काम क्या करेगा, जब तने की मोटाई बढ़ती है तो मोटाई बढ़ाने में ये हेल्प करता है, कैम्बियम हेल्प करता है, एधा है ये हेल्प करता है, ये मोटाई बढ़ाएगा तने की। इसका मतलब मोटाई बढ़ती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि इनमें द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है ये होती है, द्वितीयक जो वृद्धि होती है ये तने के अंदर होती है, तने की मोटाई बढ़ती है, कंप्लीट है। अब इनमें जो सहवन बंडल है देखें, उनमें हमने एक तो पढ़ लिया मध्य आदि दारुक प्रकार का है, जाइलम और फ्लोएम एक साथ में स्थित होते हैं, यानी इस तरह है फ्लोएम है और फिर बीच के अंदर क्या आ गया, एधा आ गई, कैम्बियम आ गया, फिर आ गया जाइलम, ठीक है, ये है फ्लोएम और ये है जाइलम, बीच में क्या है एधा है। तो अगर ये दोनों एक साथ में स्थित होते हैं जाइलम और फ्लोएम, देखो मैंने आपको मूल में जड़ में क्या बताया था कि उसमें ऐसे था, पहले फ्लोएम था, फिर जाइलम था, फिर फ्लोएम था, फिर जाइलम था, फिर फ्लोएम था, जाइलम था, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, ऐसे था, एकांतर क्रम में व्यवस्थित थे। तो उसको नाम दिया था हमने क्या, एरिये, एरिये रेडियल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक साथ में स्थित है, जुड़े हुए हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, संयुक्त, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट। तो इनमें कैसा होता है, कॉन्जॉइंट यानी संयुक्त टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, कंप्लीट है। और दूसरा कैसा होता है, एंडार्क होता है। तीसरा है कि उसमें एधा पाया जाता है, जब एधा पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं खुला सहवन बंडल, ओपन वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि इनके अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है। तो जिनमें एधा पाया जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, खुला वेस्कुलर, खुला सहवन बंडल या खुला वेस्कुलर बंडल बोल देंगे, कंप्लीट, ओपन वेस्कुलर बंडल बोल देंगे। तो देखिए इस तरह होता है कि ये वल्ले के रूप में व्यवस्थित होता है सहवन बंडल। तो सबसे बाहर की तरफ तो देखो इसमें बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल की लेयर है, स्टोमेटा भी है और त्वचा रोम है मल्टीसेलुलर। उसके बाद में सेकेंड लेयर आती है हाइपोडर्मिस की, उसके बाद में आती है वलकुट की, उसके बाद में आती है एंडोडर्मिस की, और एंडोडर्मिस के अंदर की साइड में है परिरंभ। अब परिरंभ इसमें दो भागों में बटा हुआ है, कहीं पर मैंने ब्लू से दिखाया हुआ है दृढ़ोतक, कैसा है दृढ़ोतक स्क्लेरेनकाइमेटस है, और जो मैंने रेड से दिखाया है वो है पेरेनकाइमेटस मर्दोतक, ठीक है। उसके बाद में इनमें जाइलम और फ्लोएम स्थित है ये, तो यहाँ पर जो ग्रीन से दिखाया है मैंने ये फ्लोएम है, फिर उनके बीच में एधा है, रेड से दिखाया है ये एधा है, और उसके बाद में इनमें जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। फिर सबसे अंदर की साइड में यहाँ पर सबसे बीच में क्या होता है, सबसे बीच में होता है इसके अंदर पिथ। अब देखो नंबर मैंने 6 तक दे दिया था ना, ओके इसको मैं 7 नंबर दे देता हूँ, पिथ। तो सबसे बीच में क्या होता है, पिथ होता है, और पिथ इसमें सुविकसित पिथ होता है, स्पष्ट होता है, सुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर ये इनके बीच बीच में भी पाया जा रहा है। देखो ये हो गए दोनों के दोनों सहवन बंडल, ये सहवन बंडल है, ये सहवन बंडल है, तो सहवन बंडल के बीच बीच में भी पिथ पाया जाता है, ऐसे इनके बीच में भी स्थित है। देखो मैंने यहाँ पर भी दिखाया, ये जाइलम है, उनके बीच में सेल है, फिर जाइलम है, फिर सेल है, फिर जाइलम है, फिर सेल है। तो सहवन बंडल के बीच में मज्जा की कुछ सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएँ पाई जाती हैं, उनको हम बोल देते हैं मज्जा किरणें, मज्जा किरणें, या हम बोल देते हैं मेड्यूलरी रेज, मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज किसे कहेंगे, कुछ सेल्स होती है किसकी, मज्जा की, पिथ की, और वे कहाँ पर जेंट होती है, जो सहवन बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, उनके बीच में स्थित होती है, और उनको हम क्या बोल देंगे, वेस्कुलर, सॉरी मेडुलरी रेज या मज्जा किरणें। तो ये था हमारे पास द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। अब हम स्टडी कर लेते हैं एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में जान लेते हैं, मोनोकोट स्टेम है, उसकी एनाटॉमी स्टडी करते हैं। तो देखें मोनोकोट स्टेम यानी हमारे पास तना है इस तरह, और इस तने को हमने इस तरह काटा है, और काट कर इसका जो TS हमें दिखाई देता है, ट्रांसवर्स सेक्शन जो मिलता है, अनुप्रस्थ काट दिखता है, उसको हम जूम करके देखते हैं। तो जूम करके देखते हैं तो इसमें सबसे बाहर की तरफ जो होती है वो है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो इसमें बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस है, कैसी है, इसमें एक लेयर ही है, ठीक, सिंगल परत होती है, एकल लेयर होती है, एकल स्तर होता है,
रेक्टेंगुलर कोशिकाओं से, आयताकार कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इन पर क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल की लेयर, उप त्वचा जिसको हम कहते हैं, क्यूटिकल का आवरण प्रेजेंट होता है। इनके अलावा इन पर रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। यहाँ पर स्टोमेटा दिखाया है, ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा इनमें पाए जाते हैं, कंप्लीट है। अब देखें, त्वचा रोम नहीं पाए जाते, त्वचा रोम ट्राइकोम जिसको कहा था, ये नहीं प्रेजेंट होते। ये द्विबीजपत्री में पाए जाते थे, लेकिन एक बीजपत्री में त्वचा रोम नहीं पाए जाते। तो एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने में मेजर जो डिफरेंस है वो एक तो आपको ये पता चल गया है। ओके, दूसरे नंबर पर इसमें आ जाती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। दो नंबर पर इसमें क्या है, हाइपोडर्मिस। अब इम्पोर्टेंट चीज़ हम नोट करने वाले, इसमें जो हाइपोडर्मिस होता है ये दृढ़ोतकी सेल्स होता है, दृढ़ोतकी कोशिकाएं, यानी हम बोल देते हैं स्क्लेरेन काइमेटस। जो स्क्लेरेन काइमा टिश्यू हमने पढ़ा था, डेड टिश्यू है, उनसे ये बना होता है, यानी ज़्यादा हार्ड होता है हाइपोडर्मिस। हमने द्विबीजपत्री तने में क्या पढ़ा है अभी, हाइपोडर्मिस है, ये बना होता है किसका, स्थूल कोणोतक का, कोलेनकाइमेटस सेल का, कोलेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं उनका बना होता है, कोलेनकाइमा का। और यहाँ पर किसका बना है, स्क्लेरेनकाइमा का बना है, दूसरा डिफरेंस हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि इसमें वल्कुट पाया जाता है, और वल्कुट है ये अलग अलग भागों में विभक्त नहीं होता। पहले हमने पढ़ा था कि वल्कुट है ये, वल्कुट में तो था ही कोर्टेक्स तो था ही, इनके अलावा एंडोडर्मिस था, परिरंभ, परिरंभ भी था, यानी हमने कहा था पेरिसाइकल था, और लास्ट में मज्जा या पित्त भी थी। ये सब के सब इसमें नहीं पाए जाते, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें एबसेंट हो गई, इसके अंदर एबसेंट है अंतस्थ त्वचा, यानी हम इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, इंग्लिश का नाम भी यही है, तो मैं केवल एक बार लिख रहा हूँ, एंडोडर्मिस, पेरिरंभ, पेरिसाइकल, तीसरा मज्जा, पित्त, ये सब के सब इसमें अनुपस्थित होते हैं, ये नहीं पाए जाते, ये अलग अलग भागों में विभक्त नहीं होता वल्कुट, कंप्लीट है। ओके, फिर वल्कुट के अंदर देखो, ये पूरा का पूरा भाग वल्कुट होता है, ये जो मैंने इसमें दिखाया, ये पूरा भाग वल्कुट अंदर का। अब जो वल्कुट में जो स्टार्टिंग में कोशिकाएं हैं यहाँ की, ये तो छोटी कोशिकाएं होती है, जैसे जैसे इसके केंद्र में जाए जा रहे हैं हम, सेंटर में, यानी इस तरह जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे सेंटर में जा रहे हैं, तो ये जो साइड की कोशिकाएं हैं, परिधीय सेल्स है, पेरिफेरल सेल्स है, ठीक है, वो तो कैसी होती है, आकार में छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, इनके केंद्र की तरफ जाएंगे, तो आकार में बड़ी कोशिकाएं बनती जाती है, आकार में कोशिकाएं बड़ी होती जाती है, कंप्लीट है, ये याद रखना है। कोशिकाएं हैं जो सेल है वो कैसी है, गोल है, ठीक है, गोलाकार है, राउंड शेप्ड है, या अंडाकार होती है, ओव्यूल शेप्ड होती है, अंतरकोशिकीय अवकाश इनमें पाया जाता है, ठीक है, और मर्दूतकी है, यानी कौन सी है, पेरेनकाइमेटस है। उसके बाद में देखो, यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर से बहुत सारे दिखाए हैं, ये क्या है, इनके शहवन बंडल है, ये क्या है, इनके शहवन बंडल है, जिसको हमने नाम दिया था वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल है ये, कंप्लीट है। वेस्कुलर बंडल में क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम आता है, तो देखो फ्लोएम है और जाइलम है, ये मिलाकर क्या कहलाएगा, शहवन बंडल, वेस्कुलर बंडल, तो बिखरे हुए शहवन बंडल पाए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिखरे हुए शहवन बंडल का पाया जाना किन की विशेषता होती है, तो वो होती है एक बीजपत्री तने की मोनोकोट स्टेम की विशेषता है, बिखरे हुए, फ्लेटर्ड होते हैं, पूरे चारों तरफ इसमें बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। अब जो शहवन बंडल बिखरे हुए, तो देखिए परिधि की ओर है, ये छोटे हैं और पास पास है, जैसे ही सेंटर में आते हैं, केंद्र में आते हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं, ये आकार में बड़े हो जाते हैं, थोड़ी दूर दूर हो जाते हैं, ये याद रखना है। सेंटर के साइड में तो कैसे हैं, दूर दूर है और बड़े हैं, और जो पेरिफेरल टाइप के हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं और पास पास है। अब हम आ जाते हैं इनके सेवन बंडल बनता कैसे, तो सेवन बंडल में फ्लोएम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, ठीक है, यानी इस तरह है, बाहर की तरफ इनमें फ्लोएम होगा, और अंदर की साइड में, सेंटर की साइड में क्या है, इनमें जाइलम है, सेंटर की साइड में। तो जब फ्लोएम बाहर होता है तो इसको बोलते हैं बहिर फ्लोएमी, कंप्लीट है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखें, जाइलम और फ्लोएम के बीच में इनमें एधा नहीं पाई जा रही, केम्बियम नहीं पाई जा रही, ठीक है, केम्बियम है ये इनमें अनुपस्थित होती है, अब्सेंट है, ठीक है। इसका मतलब इनमें द्वितीयक वृद्धि जो होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि,
ये भी इनमें नहीं पाई जाती, यानी इनका तना है ये मोटा नहीं होता ज़्यादा, जैसे नीम का पीपल का इनका बड़ा बहुत ज़्यादा मोटा तना हो जाता है। उसका कारण क्या है, उनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, लेकिन इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती क्योंकि इनमें एधा केम्बियम नहीं होती। कंप्लीट है। अब इनके अलावा आपको याद रखना है कि जब इनमें एधा नहीं होती तो उसको हम कौन सा सेवन बंडल बोल देते हैं, बंद कह देते हैं, उसका नाम हो जाता है क्लोज वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्लोज प्रकार का वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, बंद प्रकार का सेवन बंडल उपस्थित होता है। अब देखें, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दोनों हैं। मेटाजाइलम की दो भुजाएं इस तरह है, दो आर्म्स है, और जैसे वाई हम बनाते हैं ना ऐसे वाई, तो ये जो दो भुजाएं हैं ये तो बनती है किससे, मेटाजाइलम से। ठीक है, दो आर्म, और ये एक है ये वाला जो डंडी, ये किससे बनेगा, प्रोटोजाइलम से बनेगा। तो इस तरह वाई टाइप का इनके अंदर जाइलम प्रेजेंट होता है, वाई टाइप का जाइलम प्रेजेंट होता है। और जब मेटाजाइलम तो देखो बाहर की तरफ, और सेंटर की तरफ कौन है, प्रोटोजाइलम है। ये कहाँ पर है, बाहर की साइड में है, आउटर साइड में है, और ये कहाँ पर है, केंद्र में है, सेंटर में है। तो केंद्र में सेंटर में प्रोटोजाइलम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है एंडार्क या मध्य आदिदारुक, मध्यादिदारुक भी बोल दो या मध्य आदिदारुक उसको कहेंगे हम, एंडार्क कहेंगे। कंप्लीट है। अब एक चीज़ और याद रखना है कि इनमें सेवन बंडल जो होता है, ये सेवन बंडल में आ गया फ्लोएम और जाइलम, इनके चारों ओर पुलाछद पाया जाता है, यानी कुछ कोशिकाएं होती है, दृढ़ोतक की कोशिकाएं हैं इस, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल सी ही है, और ये इनके चारों ओर पाए जाती है, और उनको हम बोल देते हैं पुलाछद बंडल, शीथ। शीथ आच्छद किसे कहते हैं, किसी को चारों ओर से घेर ले, ढकले, उसको हम क्या बोलते हैं, शीथ या आच्छद कहते हैं। इसने किसको ढक लिया है, वेस्कुलर पूल जो होता है, ठीक है, सेवन पूल है उसको ढक लिया है, तो इसको हम बोल देते हैं बंडल शीथ या पुलाच्छद कह देते हैं। ठीक है, वेस्कुलर जो बंडल है उसको ढक लिया है। ओके, इनके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इनमें जो प्रोटोजाइलम है उनके पास में एक खाली गुहा पाई जाती है, इसमें जल भरा रहता है, उसका नाम होता है लेजात गुहा, लाइशोजीनस केविटी, लाइशोजीनस केविटी। तो ये था हमारे पास एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट स्टेम। अब देखो हम डिफरेंस देखते हैं कि द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री में क्या अंतर था। तो पहला तो अंतर था कि उसमें यहाँ पर हमने बताए थे त्वचा रोम ट्राइकोम, बहुकोशिकीय ट्राइकोम थे, वो इसमें नहीं होते, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है, हाइपोडर्मिस है, ये बना किसका, दृढ़ोतकी कोशिकाओं का, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना है हाइपोडर्मिस, उसमें बना था किसका, स्थूल कोणोतक का, कोलेनकाइमेटस वाले जो कोलेनकाइमा है उनका बना था। कंप्लीट है। उनके बाद में वल्कुट है, ये अलग अलग भागों में विभक्त नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन नहीं प्रेजेंट होता कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस परिरम यानी पेरिसाइकल, पिथ मज्जा, ये इनमें नहीं प्रेजेंट होते, ये अंतर था। इनके अलावा इनमें जो बिखरे हुए सेवन बंडल पाए जाते हैं, उसमें तो सेवन बंडल क्या था, एक वल्ले के रूप में, एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट था, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट था उनमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिखरे हुए सेवन बंडल पाए जा रहे हैं, प्लेटेड वेस्कुलर सिस्टम है इनके अंदर, और इनमें जो फ्लोएम और जो जाइलम है उनके बीच में केम्बियम भी नहीं है, केम्बियम अब्सेंट होने से कैसा हो गया, बंद प्रकार का हो गया, और सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं पाई जाती। एक चीज़ और याद रखना है, देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ साथ है, जब ये दोनों साथ साथ होते हैं तो ऐसा वेस्कुलर बंडल क्या हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं संयुक्त, कॉन्जॉइंट। तो इनमें जो वेस्कुलर बंडल है उसकी फीचर्स क्या है, कॉन्जॉइंट है, ठीक है, और क्लोज टाइप का है, एंडार्क है, यानी संयुक्त है और बंद प्रकार का है और मध्य आदि दारुक प्रकार का होता है। तो ये था हमारे पास एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने की संरचना। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी बता दें।